Hey, what's up guys? Welcome back to the other video. आज का जो वीडियो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो अफगानिस्तान प्लेयर राशिद खान के ऊपर है, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आई विल नॉट गेट मैरिड टिल द टाइम अफगानिस्तान विल नॉट विन द वर्ल्ड कप। तो उनको लेके पूरे दुनिया का अजीबो गरीब रिएक्शन था, कई लोगों ने उनको ट्रोल करा, जैसा कि आप देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग उनका कैसे मजाक उड़ा रहे थे, उनको नेक्स्ट सलमान खान बोले थे और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो आप ऐसे कई लोगों को पता होगा जो रियल क्रिकेट फैन है कि क्रिकेट जो गेम है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे गेम्स और कुछ ऐसे मैचेस जिसमें आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे कैसे छोटी टीम्स ने कैसे बड़ी टीम्स को हराया है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो जो फर्स्ट मैच है वो है आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, जो 2011 में हुआ था इंडिया में। तो उसके थोड़े क्लिप्स देखिए आप। तो जैसा कि आपने देखा कि जहां से क्रिकेट का ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड से, उस टीम को आयरलैंड ने हरा दिया, जो कि एक स्मॉल टीम है लोग कहते हैं, बट फिर भी उस टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया। आइए देखते हैं और ऐसे गेम्स जहां पर छोटी टीम्स ने बड़ी टीम्स को हराया है। तो जो नेक्स्ट मैच मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हुआ था जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 1983। और आप जैसे जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग से क्रिकेट को डोमिनेट करा है, फिर भी उस टाइम भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो जो नेक्स्ट मैच मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हुआ था 2003 में बिटवीन केनिया एंड श्रीलंका। और आप यकीन नहीं मानोगे इस मैच में भी कि केनिया ने इस मैच को जीता था, और केनिया इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। जो लोग कह रहे कि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, तो केनिया जैसी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची थी वर्ल्ड कप के। तो इससे आप समझ सकते हो कितना अनप्रेडिक्टेबल गेम है क्रिकेट। तो जो नेक्स्ट मैच मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस मैच में सटोरियो ने बहुत पैसा हारा था, देखिए आप। What an innings, what a day for Bangladeshi cricket. Is it their biggest moment yet? तो जो मैच मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हुआ था, आप सबको पता है, 2007 में बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, जिसमें बांग्लादेश ने हमें हराया था। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि बांग्लादेश जो उस टाइम काफ़ी छोटी टीम थी उसने इंडिया को हराया। तो इसी से आप समझ सकते हो कि इस गेम का जो है वो कोई भी भरोसा नहीं है। तो जो फाइनल मैच मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हुआ था 1983 में बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। It would have landed 10 to 15 yards inside the boundary, and Kapil Dev had a long way to go to make his ground. तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि वेस्ट इंडीज उस टाइम ऑलरेडी दो वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, और तीसरा वर्ल्ड कप जीतने की भी उसके चांसेस बहुत थे। अगर आप उस टाइम के लोगों से पूछोगे क्या इंडिया जो है वेस्ट इंडीज को हरा सकती थी, तो आपको मोर देन 90% लोगों को यही जवाब मिलता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि अभी हम अफगानिस्तान के बारे में बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, वैसे ही लोग उस टाइम इंडिया के बारे में बोलते थे। तो इसीलिए मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि किसी भी टीम को छोटा मत सोचो, कोई भी टीम छोटी नहीं है। ये जो गेम है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी इस गेम को जीत सकता है। अगर सबने उस टाइम ये सोचा होता कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, तो आज जो कपिल देव ने हमें ये जो वर्ल्ड कप दिया था 1983 का, वो पॉसिबल नहीं होता और हम वर्ल्ड कप उठा नहीं पाते। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। और आप मुझे सजेशन दे सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है #karanhollywood, देखो वहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मुझे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। मैं आप सबके रिक्वेस्ट पे काम करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप मुझे वहाँ बताओ और मुझे फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पर, मैं वहाँ पर अपने कई सारे अपडेट डालता रहता हूँ चैनल से रिलेटेड। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, बाय बाय, टेक केयर।